कि मेयर पद के लिए 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव में डॉक्टर सेली ओब्राय जी फिर से हमारी प्रत्याशी होंगी और डिप्टी मेयर पद के लिए आले मोहम्मद इकबाल साहब ये हमारे प्रत्याशी होंगे। तो डिप्टी मेयर और मेयर जो अभी तक थे वो आगे भी होंगे और जैसे पहले जीत दर्ज की ऐसे इस बार भी भारी मतों से ये लोग चुनाव में जीतेंगे। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली सरकार के कामों को देखते हुए एमसीडी के चुनाव में एक बड़े सपने और उम्मीद के साथ, दिल्ली को एक साफ सुथरा शहर बनाने की उम्मीद के साथ, जन आकांक्षाओं को पूरा करने की उम्मीद के साथ केजरीवाल जी को एमसीडी में भारी समर्थन के साथ जिताया, आम आदमी पार्टी को भारी समर्थन के साथ जिताया। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से तमाम जद्दोजहद के बाद, तमाम कोशिशों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपने साजिशों में, अपने प्रयासों में सफल नहीं हो पाई जो मेयर के चुनाव में करना चाहती थी। और डॉक्टर सेली ओब्राय जी, हमारे साथी आले मोहम्मद इकबाल साहब, इन दोनों ने मेयर का चुनाव जीता, अच्छे मतों से जीता, अच्छे ढंग से काम किया जितना भी समय इन लोगों को मिला। 26 तारीख को फिर से मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होना है। पार्टी के शीर्ष नेता, दिल्ली के मुख्यमंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने तय किया है कि मेयर पद के लिए 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव में डॉक्टर सेली ओब्राय जी फिर से हमारी प्रत्याशी होंगी और डिप्टी मेयर पद के लिए आले मोहम्मद इकबाल साहब ये हमारे प्रत्याशी होंगे। तो डिप्टी मेयर और मेयर जो अभी तक थे वो आगे भी होंगे और जैसे पहले जीत दर्ज की ऐसे इस बार भी भारी मतों से ये लोग चुनाव में जीतेंगे। 26 अप्रैल को चुनाव प्रस्तावित है। तो ये शुभ समाचार दिल्ली के लोगों को, मीडिया को देना था कि केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि अगला जो टर्म होगा मेयर और डिप्टी मेयर का डॉक्टर सेली ओब्राय और डिप्टी मेयर के लिए आले मोहम्मद इकबाल ये हमारे प्रत्याशी हैं।